हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूँ बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, आपने क्या सुना, वीवीआई क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले कि मैं 6 वीवीआई क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ, अगर आप उन 6 क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो 7वां वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये भी पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो मैं एमएम अली और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्त बच्चों, मैं बता दूं आपको एक बड़ी अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ, अच्छे से सुनेंगे आप, कॉपी कलम लेकर के तैयार रहिएगा। मैं जो बताने वाला हूँ आपके बोर्ड से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपको PDF आपको आप तक पहुंचा दो और आप घर बैठे उनकी तैयारी अच्छे से कर सके। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जल्दी नोट कीजिए, 9097106170। अगेन रिपीट, 9097106170। ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं 7वां वीवीआई क्वेश्चन क्या है। तो कहता है कि एक्सप्लेन कीजिए प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर या मूविंग गैल्वेनोमीटर, राइट। और आगे कहता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर करेंट सेंसिटिविटी। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस साल के लिए, है ना। तो इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं इसको पहले हम लोग जानते हैं। पहले कहते हैं एक्सप्लेन कीजिए, किसको एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए किसको एक्सप्लेन कीजिए, मूविंग गैल्वेनोमीटर को एक्सप्लेन कीजिए। फिर प्रिंसिपल बताइए, किसका प्रिंसिपल बताइए, तो मूविंग गैल्वेनोमीटर का बताइए। फिर कंस्ट्रक्शन कीजिए, किसका कीजिए, तो मूविंग गैल्वेनोमीटर का कीजिए। फिर वर्किंग बताइए, किसका कीजिए, तो मूविंग गैल्वेनोमीटर का वर्किंग बताइए। उसके बाद कहता है फुल स्टॉप ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर करेंट सेंसिटिविटी, करेंट सेंसिटिविटी के लिए भी एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। तो हम सबसे पहले एक एक करके इसमें जानते हैं जितने क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक। तो पहले हम जानते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो कहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, व्हिच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग की जाती है के लिए, किसके लिए, डिटेक्शन। जी हाँ, बस इस वर्ड को आप इतना याद रखेंगे आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेक्शन मतलब पता लगाने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए, किसको मेजरमेंट करने के लिए भाई साहब, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को, है ना, बहुत ही छोटे इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज़ की जाती है। क्लियर हो गया। मूविंग गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज़ की जाती है डिटेक्शन का, डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए, किसको, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात है प्रिंसिपल, हम लोग प्रिंसिपल जानते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। कहते हैं कि इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, मूविंग गैल्वेनोमीटर, ये किस पर आधारित है, ऑन द फैक्ट दैट When a current carrying coil is placed in a magnetic field, मतलब कहता है जब इस मूविंग गैल्वेनोमीटर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस्ड करते हैं और उससे जब करंट कैरी होता है उस कॉइल से होते हुए, तो कहता है कि इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ध्यान दीजिए, तो उस कॉइल के ऊपर क्या क्रिएट होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। टॉर्क का मतलब होता है, एक वर्ड में अगर कहें तो टर्निंग इफेक्टिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स उसके अंदर क्रिएट होता है जिससे कि वो गैल्वेनोमीटर रोटेट करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, ठीक है। मतलब रोटेशनल फोर्स उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, कब, जब हम उसे उस कॉइल को, जैसे कि आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको भी देखिएगा, यही हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको जब हम किसी, ये नॉर्थ और साउथ पोल के 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, इसके बीच में जैसे इसको लटकाते हैं और इसमें करंट जैसे फ्लो करता है ना, तो क्या होता है, इसके अंदर टॉर्क क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ये रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो आइए, ये हो गया प्रिंसिपल, क्लियर है। इसमें प्रिंसिपल में ये याद रखना है कि एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, कब, जब करंट फ्लो करता है कॉइल से होते हुए, तो, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब। ओके, अगला है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बनावट,
ये देख लीजिए, सामने आपके डायग्राम बने हुए हैं और ये उसके बारे में पूरे डिटेल लिखा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ क्वाइल पी क्यूब आर एस वन, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये पी क्यूब आर एस वन नाम का एक क्वाइल को अपने अंदर कंसिस्ट कर रहा है, देख सकते हैं, और हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वायर को लपेट दिया जाता है, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो कि कॉपर वायर को इंसुलेट कर दिया जाता है। द क्वाइल इज वुंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटालिक, मतलब इस क्वाइल को जो लपेटा गया है ना, ये एक नॉन मैग्नेटिक मेटालिक है जिसके ऊपर में इस क्वाइल को लपेट दिया गया है। विच मे बी रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये किस तरह का भी दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, या यही चीज़ हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, शेप में इसका शेप कैसा हो सकता है, इसका आकार कैसा हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। आगे कहते हैं द क्वाइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मूवेबल टॉर्शन हेड, है ना, ये ध्यान दीजिए, ये एच क्या है, एक मूवेबल टॉर्शन हेड, इस क्वाइल को जो है ना, ये देखिए, एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के माध्यम से इस क्वाइल को कहाँ लटका दिया गया है, एक मूवेबल टॉर्शन हेड के सहारे लटका दिया गया, जो कि ये मूव करता रहता है, ओके, बाय मीन्स ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, किसके सहारे, तो ये जो लटकाया हुआ, ये जो एक पतला सा वायर होता है, जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप मेटल का बना हुआ होता है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के बीच में, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ पोल दो मैग्नेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसके बीच में जैसे इसको लटकाएंगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसके बीच में हम इसे लटका देते हैं, ठीक है। हाँ, फील्ड प्रोड्यूस बाय टू स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट पोल पीसेस नॉर्थ एंड साउथ, क्लियर है, नॉर्थ और साउथ पोल पीसेस दो मैग्नेट के बीच में लटकाया गया है। फिर कहता है द लोअर एंड ऑफ द क्वाइल, क्वाइल का जो नीचे वाला हिस्सा है, इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द हेयर स्प्रिंग, ध्यान दीजिए, ये ऊपर का हिस्सा हो गया क्वाइल का, ये नीचे का हिस्सा हो गया, इसको एक स्प्रिंग के सहारे कहाँ लटका, स्प्रिंग के माध्यम से, एस डैश स्प्रिंग है उसके माध्यम से इसको यहाँ पे फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का बना हुआ होता है या क्वार्ट्ज का बना होता है ये स्प्रिंग, उसको इसमें फंसा दिया जाता है, और फिर यहाँ से इस एंड को एक निगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल से क्या की जाती है, जोड़ दिया जाता है। सपोज यहाँ से करंट आ रहा है, करंट इस तरीके से रन कर रहा है, तो एक पॉजिटिव ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, और कंटिन्यूसली सर्किट के अंदर करंट रोटेट करता रहेगा, और ये मूवेबल टॉर्शन हेड क्या होगा, इसके अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इसमें करंट प्रोड्यूस करेंगे, ये रेडियल फील्ड है जो इसके ऊपर में लगे होते हैं, तो है ना, मूवेबल टॉर्शन, हाँ, व्यू ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये टॉप व्यू पे होता है, गैल्वेनोमीटर सबसे ऊपरी हिस्सा में होता है, जो रेडियल फील्ड कहलाता है, इसको जैसे यहाँ लगा देंगे तो फिर क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लटका हुआ है, तो इसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्क, टॉर्क को हम लोग ऐसे टॉर्क से डिनोट करते हैं, और ये टॉर्क जैसे इस पर क्रिएट होगा तो ये घूमने लगेगा और फिर कंटिन्यू अपना रीडिंग देने लगेगा, आपको करंट का वैल्यू इस सर्किट में कितने जा रहे हैं वो आपको मेजरमेंट करके बताने लगेगा। तो ये रहा इसका कंस्ट्रक्शन, ये प्रिंसिपल और इसका एक्सप्लेनेशन। फिर हम बात करते हैं इसका वर्किंग, है ना, वर्किंग क्या है, और दूसरा है हमारा इसके बारे में कि करंट सेंसिटिविटी के लिए ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये तीन चीज़ देख चुके हैं। वर्किंग किसको कहते हैं, वर्किंग क्या है गैल्वेनोमीटर का, और इसका सेंसिटिविटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, दो क्वेश्चंस, आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले वर्किंग या थ्योरी किसको कहते हैं, कहते हैं सपोज पी क्यू आर एस वन, आपने देखा था कॉइल जो था पी क्यू आर एस वन नाम रखा था, इस सस्पेंडेड फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसको जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली जब सस्पेंड किया जाता है, देखिए बच्चों में ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया था मैं सीधे सीधे बोर्ड पर फोकस करूँगा, बोर्ड में क्या लिखना है, कितना क्वेश्चन करना है, कितना आंसर करना है, बस मैं वही बताऊंगा, उतना ही मैं बता रहा हूं, मैं बहुत ही अंदर तक डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, है ना, जी हाँ। तो सस्पेंडेड फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको उस क्वाइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया गया फ्रीली, पी क्यू आर एस वन जो नाम का जो क्वाइल था, तो उसमें मान लिया कि लेंथ क्या, एल क्या है, लेंथ है, है ना, और बी क्या है, ब्रेथ है, ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न से क्वाइल का, तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर मैंने क्वाइल को लटकाया था वो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और उस क्वाइल के अंदर जो मैंने करंट जो प्रोड्यूस करवाया था वो करंट जो है वो आई है, तो देन टॉर्क बराबर फार्मूला होता है एन आई बी ए साइन थीटा, आप इसे याद रखना, ठीक है, एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है, ओके, एक्चुअली फोर्स इंटू
एफ एल साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दिया है टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। तो अब यहाँ पर टॉर्क को मैंने टॉ से लिखा, तो एन आई बी ए साइन थीटा, तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्योंकि ये टॉर्क किस पर निर्भर करेगा, थीटा पर करेगा। जैसे जैसे थीटा वेरिएबल होगा वैसे वैसे आपके टॉर्क वेरिएबल होगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, 91 होगा, तो एन आई बी ए मिल जाएगा। अगर इफ थीटा 0 डिग्री हो, मतलब थीटा क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वो कॉइल के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा है, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो टॉर्क कैसा लगेगा, है ना, टॉर्क कितना लगेगा, तो 0 लगेगा, मतलब टॉर्क लगेगा ही नहीं, तो कॉइल में रोटेशन नहीं आएगा। हाँ, तो मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं, 90 डिग्री पर। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर रोटेशन कॉइल का अच्छे से होगा और काफ़ी इंस्टेंटली होगा, ठीक है। अब करेंट सेंसिटिविटी की हम लोग बात करते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन द डिफ्लेक्शन, है ना, चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर टू द करेंट इन चेंज इन करेंट। मतलब डिफ्लेक्शन और करेंट, मतलब कॉइल जो मूव कर रहा था तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, एंगल में जो एंगल जो उसके वेरिएबल जो हो रहा था, वो डिफ्लेक्शन को हमने डी थीटा से बोला, और करेंट जो उसमें हो रहा था वो चेंजिंग डी आई हो रहा था। तो सेंसिटिविटी बराबर हो गया, सेंसिटिविटी को मैंने रो से लिखा, तो डी थीटा बाय डी आई हो गया, ठीक है। अगर मैंने इससे पहले यहाँ देखा है कि टॉ इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए होता है, तो टॉर्क बराबर क्या है, सी थीटा। सी क्या है, इसमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट लिख दिया हूँ मैंने, और थीटा क्या है, ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो एंगल थीटा है। तो सी थीटा इज इक्वल टू एन आई बी ए हो गया, तो थीटा बड़ा आई को इधर ले आया गया, तो आई बड़ा थीटा बाय आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बी ए बाय सी हो गया। तो यही तो है थीटा आई बाय क्या हमारा सेंसिटिविटी, करेंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो करेंट सेंसिटिविटी बराबर हो गया एन बी ए बाय सी, ठीक है। ये सी क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कुल मिला के 5 क्वेश्चन था, बट 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान था। पहला एक्सप्लेनेशन, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा कंस्ट्रक्शन, और चौथा इसका वर्किंग, और पाँचवा क्या था, करेंट सेंसिटिविटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आपको ये क्वेश्चन पूरा 100% समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, और बोर्ड एग्जाम में जा करके लिख करके आइए। तब तक पढ़ते रहिए और हमारे चैनल का लुत्फ उठाते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, वेन आई मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।